बिहार में चुनाव प्रचार में दूसरे दिन भी विपक्ष पर योगी ने जारी रखा हमला। कहा कश्मीर में धारा 370 हटने से सबसे ज्यादा परेशान राहुल और ओवैसी। नौकरी की बात करने वालों ने गरीबों का राशन तो खाया ही, जानवरों का भी खा गए चारा। हमारे लिए बिहार का मतलब माता सीता का मायका। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भी विपक्ष पर तीखा हमला जारी रखा। कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए योगी ने जमुई रैली के मंच से कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटने का सबसे ज्यादा दर्द राहुल गांधी और ओवैसी को है। राजद के 10 लाख नौकरी देने के चुनावी वादे को बिहार के युवाओं के साथ मजाक बताते हुए योगी ने कहा कि नौकरी देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 15 साल गरीबों का राशन तो खाया ही, जानवरों का चारा भी खा गए। योगी ने बिहार के लोगों को कोरोना के बाद अयोध्या आने और रामलला के दर्शन का न्योता भी दिया। सीएम योगी ने बुधवार को जमुई, तरारी, भोजपुर और पालीगंज पटना विधानसभा क्षेत्र में राजग उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं की। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार में उतरे सीएम योगी बुधवार को पूरे रंग में दिखे। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह का प्रचार करने योगी जमुई में रैली के मंच पर पहुंचे तो उत्साहित भीड़ ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ जबरदस्त स्वागत किया। योगी ने जनसभा की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा देश के नाम दिए गए संदेश की चर्चा से की। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मूल मंत्र को अपनाएं। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस मजबूती के साथ कोरोना से जंग लड़ी है उसका उदाहरण पूरी दुनिया दे रहा है। योगी ने कहा है कि जब दुनिया सोच रही थी कि कोरोना में क्या करना है तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन कर दिया और गरीबों के भरण पोषण और आर्थिक विकास के पैकेज की भी घोषणा कर दी। पीएम मोदी ने बिना किसी भेदभाव के गरीब, किसान, महिला, युवा सभी के हित में योजनाएं शुरू कर उसका लाभ दिया। कोरोना काल में सबका साथ सबका विकास और गरीब कल्याण योजना को मोदी जी ने सर्वसुलभ करवाया। जो भारत का हितैषी है वो मोदी जी के साथ है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए योगी जी ने कहा कि कांग्रेस और राजद ने कभी देश और समाज के बारे में नहीं सोचा, इनके लिए परिवार और पार्टी ही देश है। सीएम ने कहा कि आज दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, एक राहुल गांधी और दूसरे ओवैसी। कश्मीर से धारा 370 हटी तो राहुल और ओवैसी को सबसे ज्यादा पीड़ा हुई। भीड़ से जय श्री राम की गूंज के बीच सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी और बिहार के लोग भी कश्मीर में जमीन खरीदकर अपना मकान बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून में बदलाव करके दूसरे देशों में शोषण और बेगारी झेल रहे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के भाइयों के लिए दरवाजे खोले हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मैं बिहार आया तो मीडिया के लोग पूछते थे अयोध्या में मंदिर कब बनेगा, भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के नींव पूजन का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना खत्म होने के बाद बिहार के लोग अयोध्या आए, हम रामलला के भव्य दर्शन भी कराएंगे। योगी ने कहा कि हमारे लिए बिहार का मतलब माता सीता का मायका है, हम माता सीता के मायके के लोगों को कष्ट नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान तमाम राज्यों से लौट रहे बिहार के लोगों के लिए हमारी सरकार ने रहने, खाने और दवा का इंतजाम किया, थके मजदूरों के लिए हमने गर्म पानी उपलब्ध कराया। यूपी से गुजरने वाले बिहार के भाइयों ने देखा होगा कि किस तरह की व्यवस्था हमने उनके लिए की थी। राजग से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरे पुराने सहयोगियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वोट काटने के लिए हमारे बीच आए हैं, ऐसे लोगों के लिए देश हित और समाज हित कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए स्वहित सबसे बड़ा है। जनता को जनार्दन बनकर ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन्नति कर रहा है। मोदी जी को मजबूती देने के लिए राजग को जिताएं। योगी ने मंच से जय श्री राम के नारे लगाकर अपने भाषण का समापन किया। विधानसभा चुनाव के आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बिहार के पूर्व अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद माननीय गोपाल नारायण सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती
पुत्र कुमारी जी, साध्वी लक्ष्मी माँ जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री श्रेयसी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कन्हैया कुमार जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री शंभू शरण जी, जिलाध्यक्ष हम मोहम्मद समीर उद्दीन जी, जिला प्रभारी कुमार पाणे जी, जदयू के वरिष्ठ नेता श्री ब्रह्मदेव रावत जी, प्रकाश कुमार भगत जी, स्वामी ओम भारती जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जदयू और विभिन्न हमारे सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में जमुई से जुड़े हुए, विधानसभा जमुई से जुड़े हुए सभी उपस्थित यहां के नागरिक भाइयों बहनों, मैं इस पौराणिक धरती को नमन करता हूं। जो था आप सबने इतने पूर्वाहन में ही दिखाया है, वह उत्साह हम सबके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सुश्री श्रेयसी सिंह जी, उनका अपना स्वयं का व्यक्तित्व है, देश का और बिहार का नाम, जमुई का नाम उन्होंने देश और दुनिया के अंदर तो रोशन किया ही है। लेकिन उनके पूज्य पिता राजा दिग्विजय सिंह जी, लोकप्रिय सांसद के साथ साथ भारत सरकार में मंत्री भी रहे थे और मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार के विकास के लिए, भारतीय रेल के विकास के लिए जो कार्य किया वह अभूतपूर्व है। आज वे हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबसे यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि अपने बिहार की इस बेटी को पूरे सम्मान के साथ उनके पूज्य पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए, विकास के लिए जिस समर्पण भाव के साथ उनके पूज्य पिता ने, उनकी पूज्य माता ने उन्हें विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए जो संस्कार दिए हैं, उसमें बिहार के और खासतौर पर जमुई विधानसभा क्षेत्र की जनता का मोहर लगना चाहिए, ये अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। कोरोना एक संक्रमण है। आपने कल देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम संदेश सुना होगा। उन्होंने एक ही बात कही, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यानी जब तक दवा या वैक्सीन हमारे पास आ नहीं जाती है तब तक हमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। और मुझे लगता है कि यहां पर आयोजकों ने बड़े मैदान में आयोजन किया है और पर्याप्त प्रयास किया है कि किसी न किसी रूप में हम इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। और मेरा आप सबसे अपील भी होगा कि हम मास्क भी जरूर लगाएं, एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे के साथ जब चल रहे हो तब भी
हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, दो गज की दूरी का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि बचाव ही इसका वर्तमान में सर्वोत्तम उपाय है। यह अपील आप सबसे, मैं विनम्र अपील आप सबसे भी कर रहा हूं। हम सब जानते हैं पिछले 7 महीने से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। 135 करोड़ की आबादी के देश में जिस मजबूती के साथ भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े, आज उसका परिणाम है कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप के तमाम बड़े बड़े देश, जो पस्त हो गए कोरोना के सामने, भारत मजबूती इसके साथ इस लड़ाई को लड़ करके अपनी जनता को सुरक्षित करने में सफल रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। जनता जनार्दन ने जो भूतपूर्व सहयोग प्रधानमंत्री की अपील पर किया, ये अपील देश को बचाने का था, जनता को बचाने का था, गरीब को बचाने का था, समाज के विभिन्न तबके को बचाने का था। और इस महामारी के दौरान भी जब दुनिया सोची रही थी क्या करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की और लॉकडाउन के साथ ही गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा भी कर दी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है पिछले लगातार अप्रैल माह से हर गरीब को मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर प्रारंभ हुआ। रसोई गैस का निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा, इस दौरान वह भी संभव हो पाया। और गरीब कल्याण रोजगार पैकेज के अंतर्गत भी उस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने बिहार से ही किया था, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, उद्योग बंदे बंद हो गए, सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, जिन्हें अन्य राज्यों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश से बिहार के लोग, झारखंड के लोग उत्तर प्रदेश से चलते थे, तो मैंने कहा भी भले ही महाराष्ट्र के अंदर और दिल्ली के अंदर उनके साथ कुछ बिहार जो भी हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, हमारे मेहमान होंगे, उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था, उनके लिए वाहन की व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें मुफ्त में यह व्यवस्था देगी। यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किया, ये हमारी ड्यूटी थी। क्योंकि बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार का मतलब हमारे लिए माँ सीता का मायका हो जाता है। और इसलिए मेरा यह दायित्व बनता है कि सीता मैया के मायके से कोई अगर उत्तर प्रदेश से गुजरे तो उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कोई भी बिहार का व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश से गुजरा होगा, उसने एहसास किया होगा कि शासन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर वह हम लोगों ने करके दिखाया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, मैं कल भी बिहार में था और बिहार में मैं कल एक नेता का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे हम लोग इतने लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। आश्चर्य होता है मुझे, पूछना चाहिए, एक प्रश्न पूछिए कि 15 वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दी थी। आज जो राशन मोदी जी के कारण और नीतीश कुमार जी के नाते आपको कारण आपको प्राप्त हो रहा है, गरीबों को प्राप्त हो रहा है, आखिर ये राशन लालू जी के शासनकाल में गरीब को क्यों नहीं मिल पाता था? यानी जिन लोगों ने गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, मुख
जानवरों का चारा भी खा दिया है, उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं रोजगार देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए देश ही परिवार है। आपने देखा होगा जब बिहार की बेटी सुश्री शेषी सिंह जी यहां पे बोल रही थी, उन्होंने अंत में अपने भाषण के अंत में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतो निरामया, यानी सबका साथ सबका विकास, यही भाव है इसके पीछे। हमारे लिए पूरा देश परिवार है, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। लेकिन भाइयों बहनों, आप ये भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है, इसके सिवाय वे बाहर देख ही नहीं सकते। आपने देखा होगा राजद के पोस्टर में चार लोग एक ही परिवार के हैं, पांचवे किसी का कोई चित्र नहीं। रघुवंश बाबू ने ये बात अपने अंतिम समय में कह दी थी, जीवन भर समाजवादी रहे बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने ये बात कह दी थी लालू जी को कि आपके यहां तो लालू जी आपकी फोटो, राबड़ी देवी जी की फोटो और आपके दोनों पुत्रों के फोटो के अलावा पांचवे की फोटो क्यों नहीं आती है आपके यहां। और यही तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये लोग देश के बारे में नहीं सोच सकते, बिहार के बारे में नहीं सोच सकते। अगर सोचा होता, कांग्रेस ने, राजद ने, इन लोगों ने देश के बारे में, समाज के बारे में सोचा होता तो हर गरीब को मकान मिल लिया होता, इनके शासन काल में हर गरीब को मकान मिला होता, हर गरीब को इनके शासन काल में ही रसोई गैस के सिलेंडर मिल गए होते, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले होते, हर गरीब को 5 लाख रुपए की जो आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज मिल रही है, ये योजना उन्हीं के समय में मिल गई होती। इन लोगों के पास विकास की कोई सोच नहीं थी, ये लोग विकास नहीं चाहते थे, गरीबों का उत्थान नहीं चाहते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार रही, लेकिन भाइयों बहनों इन्होंने विकास नहीं किया, राजद उसमें सहयोगी था, इन्होंने विकास नहीं किया। लेकिन एक एक घोटाला पे घोटाला होता गया, देश को बेचने की स्थिति में इन लोगों ने पहुंचा दिया। 2014 में हम देश की जनता का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का अभिषेक किया और मोदी जी ने आने के बाद पूरे देश के अंदर योजनाएं देनी प्रारंभ की, बिना भेदभाव के मकान दिया। जब मोदी जी ने मकान दिए देश के अंदर, पिछले 6 वर्ष के दौरान 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है, 8 करोड़ से अधिक लोगों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया है, ये जो योजनाएं, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है, ये जितना लाभ दिया गया है क्या किसी की जाति देख करके, किसी का मत और मजहब देख करके किया गया? नहीं, जो गरीब था उसको दे दिया बिना भेदभाव के। यही है सबका साथ और सबका विकास, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, सबको देंगे, सबका साथ और सबका विकास करने के भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी योजनाएं चलाई और योजनाओं का लाभ गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य किया। भाइयों बहनों, जो भारत का हितेशी है वह हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है, क्योंकि देश का गरीब जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनका हित कर सकते हैं, देश का किसान जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही उसके हकों का, उसे उसका हक दिलाने का कार्य कर रहे हैं,
देश की माताएं और बहनें समझ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही आज उन्हें सम्मान मिल रहा है, और देश का नौजवान भी जान रहा है कि देश में नौजवानों का हित भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही सुरक्षित है। कांग्रेस क्या कर रही है? अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओबीसी, मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें, भाइयों बहनों, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं। कुछ लोग वोट काटने के लिए आपके बीच में आए होंगे, उनके लिए देश का हित नहीं, उनके लिए बिहार का हित नहीं, उनके लिए स्वयं का हित महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। राजनीति से उन्हें एकदम जनता जनार्दन को चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है, और जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को अपना जनार्दन का स्वरूप दिखा करके राजनीति के हाशिए में फेंकने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था, पहला 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए, अगला 5 वर्ष भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उत्थान के लिए। और उत्थान का रास्ता कहां से जाता है? आपने देखा होगा, कश्मीर में धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई? या तो राहुल गांधी को या ओबीसी को। कश्मीर में धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? ये देश के हित में उठाया गया कदम था ना? लेकिन आखिर राहुल गांधी और ओबीसी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप इनकी मंशा को जान सकते हैं। और भाइयों बहनों, धारा 370 का हटने का मतलब, अगर जमुई के लोग भी अब चाहेंगे कि कश्मीर में हम जमीन लेकर के मकान बनाएंगे, तो आपको अभी इसकी छूट प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। जाइए आराम से, पूरा कश्मीर घूम करके आ जाइए। अगर कहीं पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा, तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए बाहर कर देगी। अब वह दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे, तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अब मजबूती के साथ वैश्विक पटल पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना चुका है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जितने भी हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, इन सबको जो वहां पे प्रताड़ित था, पीड़ित था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अगर आप पीड़ित और प्रताड़ित है, भारत में शरण लिया है, हम इन्हें भारत की नागरिकता भी देंगे। नागरिकता संशोधन कानून ला करके उन्हें भारत की नागरिकता देने का कार्य किया, तो भी पीड़ा किसको होती है? और पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब मैं बिहार आया था, तो बिहार के लोग मुझसे एक बात पूछते थे कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा कि बताओ कि
अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कब बनेगा? उस समय मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या तारीख भी बताएंगे? मैंने कहा चिंता मत करो, अब तो हम लोग भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, तारीख बताएंगे नहीं, तारीख में बता करके हम लोग भगवान मोदी जी से भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी करा करके आ गए हैं। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर चल रहा है। 492 वर्षों की कसक को मोदी जी ने पूरा करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रशस्त कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कोरोना कालखंड था, मैं नहीं तो बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से और हर गांव से लोगों को बुलाने वाला था अयोध्या। क्या आप आइए अयोध्या में, अयोध्या में भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप उनका भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर इस यश और कीर्ति को कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और यही अपील करने के लिए आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेतृत्व में जो चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ा जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएं। भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, आपके लिए तो दोहरे फायदे हैं। एक, राजा दिग्विजय सिंह जी की सुपुत्री को यहां से आप भेजेंगे, वह स्वयं भी एक शूटर है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को, जमुई को एक नई पहचान दिला रही है। उनकी माता जी भी सांसद थी, मैं भी सांसद था, संसद में था। उनके पूज्य पिताजी जब सांसद थे और मंत्री थे तब भी मैं भी सांसद था। वास्तव में विकास की जो सोच उनकी थी, उस विकास की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को, कमल चुनाव चिन्ह पर सुश्री श्रेयसी सिंह जी को भारी मतों से चुनाव जिताने की आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इतने भारी संख्या में आप लोग हैं, आप सबसे मैं दो ही अपील करूंगा। एक, यहां पे युवाओं की संख्या ज्यादा है और जो संख्या युवाओं की है, ये संख्या ज्यादातर लोगों के हाथों में स्मार्टफोन भी है। अपने फोन को पहले तो एक काम करना कि यहां से जाएंगे चुनाव प्रचार करने के बाद स्नान करके, और इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र का पालन करेंगे। दूसरा, मोबाइल फोन लेकर के जमुई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का फोन नंबर लेकर के, और अपने स्तर पर कोई आपका मित्र होगा, कोई नातेदार होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई शुभचिंतक होगा, उन सबके घर घर में जाकर के भी और मोबाइल फोन से भी अपील करना है। अपील करिए भाजपा को जिताने की। बिहार के अंदर भी जहां भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने की प्रयास होना चाहिए। भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएंगे, बिहार को फिर से कुशासन की ओर नहीं आने देंगे, विकास और सुशासन का बिहार का मॉडल, इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यही अपील करते हुए मैं
आप सबसे 28 अक्टूबर को सुश्री शेषी सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।